कहते हैं कि गलत सोच और गलत अंदाजा व्यक्ति को गुमराह कर देता है, इसलिए व्यक्ति की सोच सात्विक हो और अंदाजा सही होना चाहिए एवं हर एक व्यक्ति को सदैव ही दूसरों की गलतियों और दूसरों के सही निर्णय से सीखना चाहिए, क्योंकि संसार में किसी की भी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि वह स्वयं की ही गलतियों और निर्णयों से ज़्यादा सीख सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंतिम तक सुनिए। तो चलिए इस कहानी की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, एक जंगल के एक वृक्ष पर एक हंस और एक कौवा रहते थे। जो हंस था वह बहुत ही परोपकारी स्वभाव का था, परंतु जो कौवा था वह बहुत ही दुराचारी एवं ईर्ष्या जलन जैसे द्वेषों से परिपूर्ण था। रहते तो दोनों एक ही वृक्ष पर थे, परंतु कौवा हंस से हमेशा ईर्ष्या ही करता था। एक बार एक राजा उस जंगल में भटक गया, उसके मंत्री एवं सिपाही बिछड़ गए। वह अकेला ही थका हारा हुआ भटकते हुए उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगा। गर्मियों के दिन थे, धूप भी बहुत तेज थी। राजा वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही सो गया। वृक्ष पर बैठे हंस ने जब यह देखा कि वह राजा वृक्ष के नीचे ही सो गया है और उसके चेहरे में धूप पड़ रही है, तो हंस ने सोचा कि यह राजा मेरे घर में ही आया हुआ है, यह मेरा अतिथि है, इसलिए जितना हो सके इसकी सेवा करना चाहिए। तो हंस ने जहाँ से धूप निकलकर राजा के चेहरे में पड़ रही थी वहीं पर वह बैठकर अपने पंखों को फैला लिया ताकि राजा आराम से सो सके। यह सब दृश्य वह कौवा वृक्ष पर बैठा देख रहा था। हंस के इस परोपकार को देखकर उसके मन में हंस के प्रति ईर्ष्या हुई तथा कौवा वहाँ से उड़ा और राजा के चेहरे में मूत्र कर दिया और वहाँ से उड़ गया, जिससे राजा की नींद खुल गई और राजा ने ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा कि वृक्ष पर एक हंस अपने पंखों को फैलाए हुए बैठा है। राजा को बहुत क्रोध आया, उसने सोचा कि यह काम इस हंस का ही है। राजा ने बिना सत्य को जाने ही अपना तीर कमान उठाया और हंस के ऊपर तीर चला दिया। तीर लगते ही वह हंस वृक्ष से जमीन में आ गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, हंस की ही तरह वो लोग भी मारे जाते हैं। जो लोग दुष्टों की, दुराचारियों की एवं पापी क्रूर व्यक्तियों की संगत में रहते हैं एवं बिना सत्य को जाने ही जो व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है वह पाप का भागी बनता है। मित्रों, अगर आप परोपकारी हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई व्यक्ति भी आपके ही जैसा होगा। इसलिए किसी का उपकार करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दया ही दुख का कारण बनता है। परंतु दोस्तों, दया वहाँ पर दुख का कारण बनता है जहाँ पर आपके अच्छाइयों को, आपके दया भाव को समझा नहीं जाता। यह नीति कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि व्यक्ति की अच्छाइयाँ भी अच्छे लोगों के बीच ही शोभा देती है, बुरे लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा ही उठाएंगे। महान पंडित चाणक्य भी कहते हैं कि सिंह वाले पशु एवं नुकीले नाखून वाले जानवर, बुरे लोग एवं शस्त्रधारियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्रोध आने पर आप पर हमला कर सकते हैं। व्यक्ति के अंदर परोपकार, दया, दान पुण्य की भावना अवश्य होना चाहिए, परंतु यह उनके लिए है जो इन सब के लायक हैं, ना कि दुष्ट लोगों के लिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दुष्टता करना होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बिच्छू का स्वभाव अपना जहरीला डंक मारना है। आप किसी बिच्छू को कितना भी प्यार से सहलाओ
परंतु वह अपने स्वभाव के कारण आपको डंक मारेगा ही। वैसे ही एक सर्प को चाहे कितना भी दूध पिलाया जाए, परंतु उसका जहर कम नहीं होगा, वह अपने स्वभाव के कारण डसेगा ही। ठीक उसी प्रकार किसी दुष्ट दुर्जन व्यक्ति का आप कितना भी भला चाहो, कितना भी हित करना चाहो, परंतु वह स्वार्थवश एक न एक दिन आपको हानि पहुंचाएगा ही। ये कटु सत्य है। दोस्तों, व्यक्ति की अच्छाइयों की कीमत वहाँ पर होती है जहाँ पर अच्छाइयों की कद्र की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भूखे को भोजन में जो भी रूखा सूखा मिले, वह उस भूखे व्यक्ति को स्वादिष्ट ही लगेगा। परंतु जिसका पेट पहले से ही भरा हो, जिसको भोजन के लिए जरा सा भी रुचि ना हो, उसके लिए आप चाहे कितने भी अच्छे पकवान दे दीजिए, उसके लिए वह फीका ही है। इसलिए अच्छाइयाँ अच्छों के ही संग अच्छी लगती हैं, ना कि बुरे लोगों के संग। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।